पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। और सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम है संगीता पुरोहित, मैं उत्तराखंड के चमोली जिले से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। चलिए ब्लॉग में इन तक जरूर देखते रहिए, करते हैं स्टार्टिंग। तो आज हमने बहुत सारे बीज निकाले गेहूँ के, आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, आज इतना सारा बीज उखाड़ा हमने और इतना सब, और ये देख रहे होंगे इधर नहीं लगाया जाता है, आधा खेत में ही बीज डाला जाता है ताकि पूरे खेत के लिए हो, क्योंकि ज़्यादा बीज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप देख रहे होंगे ये इतना जितना भी है ना, चार ऐसे बड़े बड़े खेतों में लग जाता है ये। और दोस्तों इस बार बीज बहुत अच्छा हो रखा था, ये देखिए दोस्तों बारीक बारीक बीज आप देख रहे होंगे, ये देखिए दोस्तों। और इस समय धूप भी हो रही थी लेकिन अभी छाँव हो गई है और अब घर जाने का भी टाइम हो गया है। काफी बीज उखाड़ लिया हमने, अब जाते हैं घर। दोस्तों ये सामने पहाड़ी देख रहे होंगे, ये चीड़ के पेड़ सामने देख रहे होंगे आप, आधा से ज्यादा चीड़ के ही पेड़ होते हैं इनमें। और यहाँ का नाम हम चोपड़ा रखा है। वैसे चोपड़ा बहुत बड़ी जगह है आपको पता होगा, लेकिन हमारे गांव में भी एक छोटा सा चोपड़ा है, यहाँ का नाम हमने चोपड़ा ही रखा हुआ है। और आपको पता ही होगा कहीं ना कहीं का छोटा नाम होता है, जैसे गांव में भी एक दूसरी जगह का अलग अलग नाम होता है। जैसे एक जैसे आपको पता होगा कि हमारे देश का नाम भारत है, तो उसके भी कई छोटे छोटे टुकड़े होते हैं राज्यों में जो कन्वर्ट है, और उससे छोटे भी राज्य जो है जिले में आता है। जैसे बहुत सारे ज़िले हैं और उससे भी छोटे हैं जो ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक है, और उससे भी छोटे गांव होते हैं, और उससे छोटे मतलब ऐसे ऐसे करके बहुत ही छोटी छोटी जगह होती है, यहाँ तक कि खेतों के नाम भी बदले हुए होते हैं, अलग अलग खेत होते हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे कहीं पे बड़े बीज कहीं पे छोटे बीज हो रखे हैं। ये बीज इसलिए ऐसे हो रखे हैं क्योंकि कहीं पे जो खाद है ना वो खाद पानी ज़्यादा गया होगा और कहीं पे कम, इसलिए ऐसे हो जाता है कभी कभी। और वैसे लग तो बहुत अच्छा रहा है, ये बीज के लिए ज़्यादा दिन भी नहीं हुए होंगे, एक दो हफ्ते में इतने बड़े हो गए हैं। और कई लोगों ने रोपाई कर भी दी है लेकिन हमने अभी नहीं करी, इस खेत से बीज ले जाके और फिर दूसरे खेत में रोपाई करेंगे। और सामने आप एक दीवार देख रहे होंगे दोस्तों, ये दीवार जो है ना कई बार टूट चुकी है, कई बार इसे लगाया है, कई बार बनानी पड़ी और कई बार गिरी है। पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है, या पानी की वजह से या कुछ और वजह से गिर जाती है बार बार। दोस्तों ऊपर देखिए जो आपको पीपल का पेड़ नज़र आ रहा है, ये जो पीपल का पेड़ है बहुत ही पुराना पेड़ है। और वैसे ना जो आपको बड़े बड़े सारे पेड़ दिखाई दे रहे होंगे, पता नहीं कितने हजार वर्षों से होंगे, हमको भी नहीं पता, जब हम बचपन से थे जब तब तक हमने भी ये ऐसे ही देखे, आज भी ये ऐसे ही है और पता नहीं कब तक रहेंगे। दोस्तों जो ये पीपल का पेड़ आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको देख के एक बात ज़रूर याद आती है मुझे, क्योंकि दोस्तों अगर आपने पीपल के बीज नहीं देखे होंगे तो मैं आपको बता देती हूँ। और दोस्तों कई बार मैं बोलती आती हूँ कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लगे अति दूर, ये कहावत आपने सुनी ही होगी, कबीरदास की दोहे है। और जो है मतलब मैंने कई बार आपको खजूर के पेड़ भी दिखाए हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं खजूर के पेड़, लेकिन उनमें छाया नहीं होती है ज़्यादातर। तो ये उन इंसानों के लिए ये लागू किया जाता है कि इंसान चाहे बड़ा हो तो क्या करो, अगर उसमें विनम्रता ना हो, गुण ना हो, उसमें अच्छे संस्कार ना हो, तो ऐसे इंसान का बड़ा होने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए ऐसा कहा गया है। दोस्तों सामने आप एक पीपल का पेड़ देख रहे होंगे, और इस पीपल के पेड़ को देख के मुझे एक बात याद आती है। दोस्तों पीपल का पेड़ आपने देखा होगा कितना बड़ा होता है, लेकिन कहते हैं ना कि पीपल का बीज कितना छोटा होता है, एक बिंदु के बराबर होता है, और एक बिंदु के बराबर बीज के अंदर इतना बड़ा विशाल वृक्ष छुपा होता है। और मतलब यही बात इंसान पे भी लागू होता है,
इंसान चाहे मतलब छोटा हो या कोई बड़ा हो, हमें कभी भी उसकी एज से उसे मतलब उसके हाइट से उसे जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई छोटा इंसान हो, कोई छोटा बच्चा हो, वो भी हमें कुछ बड़ी सीख दे जाए। तो इसलिए हर किसी की बात को मन में ले लेनी चाहिए, बोले तो हर किसी के ज्ञान को अपने अंदर समेटते रहने चाहिए। ये घमंड कभी भी नहीं होना चाहिए कि ये बड़ा है, ये छोटा है या छोटे हैं तो इनकी बात नहीं सुननी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर एक बड़े के अंदर वो ज्ञान हो जो एक छोटे के अंदर हो, और मतलब बड़े का भी आदर होना चाहिए और छोटे का। मैंने आज के युग में देखा है कई बार बड़े बूढ़ों का मतलब आदर नहीं किया जाता है। दोस्तों, जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं उनके पास बहुत ही अनमोल ज्ञान होता है, वो अपने हर एक अनुभव से अपनी बातों को शेयर करते हैं, लेकिन कई बार लोग हम उन बातों को नहीं सुनते हैं, और बहुत गंदा लगता है मुझे भी, क्योंकि हो सकता है उम्र से बूढ़े हो गए हैं, भले ही उनको बीमार रहते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उनके अंदर का जो अनमोल ज्ञान होता है, कभी उनके पास जाके बैठ के उस ज्ञान को ज़रूर सुना करिए, क्योंकि वो ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो आपको कई सारी दिक्कतों से बचा सकते हैं। तो इसलिए आपके घर भी कोई बड़े बूढ़े हो तो उनके पास बैठ के ज़रूर थोड़ा सा समय बिताना चाहिए, इससे आपको बहुत सुकून मिलेगा, और उनकी जो मतलब वो अपनी हर एक अनुभव के साथ आपको हर चीज़ शेयर करते हैं। और जो लोग इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए चलते हैं, उनकी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए वो उसे सॉल्व करने में मतलब सक्सेसफुल हो जाते हैं। और मैंने कभी भी मैंने ये महसूस भी किया है, हर कवि की जो बड़े लोग होते हैं उनकी बातों को सुनने से बहुत सुकून मिलता है। और ये बात भी ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों की बातों से सुकून मिलता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कई लोगों की आदत होती है, चाहे बचपन से लेकर उनके बुढ़ापा अवस्था तक देखें तो वो लोग पता नहीं क्यों वो मतलब हमारी जो इम्पोर्टेंस बातें नहीं करते हमारे लिए, मतलब वो ऐसी बातें करेंगे जिसका हमें कोई भी लाभ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे लोग चाहे कितने भी बड़े बूढ़े हो, इनके सामने नहीं बैठना ही बेटर होता है, जो कि मतलब हमें गलत इस बारे में गलत चीज़ें शेयर करते हैं। कई लोगों के अंदर संस्कार नहीं होते हैं ना, तब कह रही हूँ मैं, और जो लोग संस्कारवान होते हैं वो पता चल ही जाता है ये इंसान कैसा है, नेचर का पता चल ही जाता है। दोस्तों, आपको मूंगफली के पौधे दिखाई दे रहे होंगे, ये मूंगफली के पौधे हैं दोस्तों जो आपको इस टाइप के नज़र आ रहे होंगे। इनको हमने 3 साल पहले बोया था और उसके बाद कभी नहीं बोया, लेकिन ये अपने आप हो जाते हैं अंदर से, क्योंकि इसके जो बीज होते हैं ना वो बच जाते हैं कभी कभी। हमारे इधर वैसे मूंगफली की खेती नहीं की जाती है, वैसे होती है लेकिन लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वैसे बहुत अच्छी फसल हो जाती है हमारे वहाँ, और एक बार हुए भी थी मूंगफली, लेकिन उसी मतलब वो कच्ची ही थी, हमने खा ली थी कुछ मूंगफली। दोस्तों, हमारे इधर मूंगफली हुई थी एक बार, हमने बोई थी मतलब ऐसे ही भैया ने लगा दी थी वहाँ पे, और बहुत अच्छी तरीके से हुई वो, और हमने कच्ची ही खा ली थी, क्योंकि हमें वो पकाना नहीं आता था, और थोड़ी ही थी पर बहुत टेस्टी हो रही थी। और ऐसी जगह पर होती हूँ, दिखाती हूँ, ये देखिए मेरे पीछे देख रहे होंगे, ऐसी जगह पे सूखी जगह पे मूंगफली बहुत अच्छी होती है। और मैंने भी सुना था कि मूंगफली जितनी बड़ी होती है उसे मिट्टी से दबाया जाता है ताकि उस पे जड़ें निकले, क्योंकि मूंगफली की जितनी पत्तियों को उसके अंदर मिट्टी के अंदर दबाया जाता है उतने पे जो है जड़ें आ जाती है। तो देखिए
दोस्तों जो आप ये देख रहे होंगे ये अरबी का पौधा है। अरबी तो आपने देखा ही होगा, यही अरबी का पौधा है। बहुत अच्छी सब्जी होती है इसकी। अरे छोटे से बगीचे में हो रखा था, बहुत प्यारा है। दोस्तों सामने आप देखे होंगे एक छिपकली आपको दिखाई दे रही होगी। ये छिपकली जो है यहीं पे रुकी हुई थी, मैं से ध्यान से भी देख रही थी, फिर भी छिपकली उधर नहीं जा रही थी, आप देखे होंगे दोस्तों। और छिपकलियाँ ज्यादातर पेड़ पे ही पाई जाती है। इधर देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देखे होंगे इस पे आम नजदीक से लगे हैं, और यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं जो जैसे सब्जी के पौधे हैं, छोटे छोटे बगीचा है, और इस बगीचे में बहुत कुछ लगाए गए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मक्का के भी बड़े बड़े डाल जो आप देखे होंगे, ये हमारे वहाँ अक्सर होते ही है। और इस खेत में तो आज की ही रोपाई करी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए दोस्तों, ये हल आप देख रहे होंगे ऐसी होती है हमारे गांव की हल। तो फिर से मुझे एक सांप की कांचुली दिखाई दी। ये देखिए दोस्तों, बाप रे बाप, इतनी लंबी कांचुली, पता नहीं कितना लंबा सांप होगा वो। ये देखिए, ये बताती हूँ मैं, कितनी लंबी कांचुली है उसकी। ये देखिए दोस्तों, इतनी लंबी कांचुली और इतना मोटा, बाप रे बाप। ये तो उसकी कांचुली है, तो लंबा कितना होगा। और ये देखिए, यहाँ पे भी टूट के गिरी हुई है, यानी कि मुझे लग रहा था 3 मीटर लंबा सांप होगा वो। मैंने अपने सामने पहली बार ही देखा था एक बार, बहुत ही लंबा सांप था, 3 मीटर लंबा सांप लाइफ में 1 या 2 बार मैंने देखा हुआ है। नहीं तो मुझे ज़्यादातर 2.5-2.5 फुट के ही दिखाई देते हैं। हमारे इधर सांप भी बहुत सारे रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी घास भी होती है, तो इसलिए बहुत सारे होते हैं।